जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी वांट के इस नए वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज वैसे स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है दोस्तों, जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए IBPS CRP क्लर्क की तरफ से बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को इससे रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो वैसे स्टूडेंट जो IBPS क्लर्क के अंदर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं दोस्तों, या फिर बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी योजना दोस्तों, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी आपका न्यू अपडेट है और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हो दोस्तों, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से लाते रहता हूं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर आपको वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो IBPS की तरफ से दोस्तों आपका बहुत बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रहा है CRP क्लर्क के लिए दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ जानते हैं, IBPS जो है वो बैंक के अंदर क्लर्क और PO का जो जितना भी इंडिया के अंदर दोस्तों जो होता है वैकेंसी क्लर्क का और IBPS का और बैंक से रिलेटेड जो जॉब होता है दोस्तों, उसका एग्ज़ाम जो है IBPS कंडक्ट करवाती है, और उसके बाद जो है वो बैंकों को ये इसके द्वारा जो है वो नियुक्ति दिया जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर 5,830 पदों पर जो है दोस्तों वैकेंसी निकल कर आ रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तरफ से ये आपका वैकेंसी जो है वो पब्लिश किया गया है। 12 जुलाई को इसका अपडेट जो है आया है दोस्तों। तो हम इससे रिलेटेड जानकारी आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इससे सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अदर्स कैंडिडेट जो हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अदर्स कैंडिडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्टेट के अंदर दोस्तों अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपने स्टेट के लिए भरते हैं दोस्तों, तो उसमें अगर आप कोई भी कैंडिडेट हैं तो आपका वो चार्ज इंक्लूड होगा, लेकिन आप अगर अदर स्टेट में भरते हैं तो आपका जो है फ़ी वगैरह दोस्तों अदर स्टेट का लगेगा। तो आपका यहाँ 850 रुपया लगने वाला है अगर आप अदर स्टेट के हैं तो। दोस्तों यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट हैं, जिस राज्य के आपका स्थायी प्रमाण पत्र है दोस्तों, वहाँ पर आपको 175 लगने वाला है। और पेमेंट मोड जो है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी ई वॉलेट के माध्यम से पे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 12 तारीख को इसका पोस्ट अपडेट निकला है और आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आप 1 अगस्त तक आसानी से इसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आप दोस्तों। 12 तारीख से लेके आप 1 अगस्त तक इसे एडिट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सेम डेट है दोस्तों। और यहाँ पर आपका एक दिन के बाद यानी कि 1 अगस्त से आपका जब एप्लीकेशन जो है वो प्रिंटिंग का जो दोस्तों लास्ट डेट रखा गया है, और यहाँ पर आपका जो है ई कॉल लेटर अगस्त तक जो है वो अगस्त में ही जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। प्रीलिम्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट वगैरह जो है वो सारा का सारा अक्टूबर सितंबर में यहाँ पर कह रहा है कि रिजल्ट वगैरह जो है हम वो आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड डेट यहाँ पर दिया हुआ है। ये अच्छी न्यूज़ है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम एज लिमिट इसका मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 28 साल है। छूट जो है आपको एज में इसके रूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा दोस्तों देखने को। सिर्फ अगर आपने डिग्री किया हुआ है किसी भी फील्ड से, ग्रेजुएशन आप पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर है, तो आप किस स्टेट के हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर आप देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले अंडमान निकोबार है दोस्तों, वहाँ पर सिर्फ 3 पोस्ट है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के अंदर 263 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 11 पोस्ट है, असम के अंदर 156 पोस्ट है, बिहार के अंदर 252 पोस्ट है दोस्तों। इसी तरह से चंडीगढ़ के अंदर आपका 27 पोस्ट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों यहां पर 89 पोस्ट है। उसके बाद दादर नगर हवेली और दीव दमन के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों। दिल्ली के लिए आपका 258 पोस्ट है, गोवा के लिए 58, गुजरात के लिए 357, हरियाणा के लिए 103 और हिमाचल प्रदेश के लिए 102, जम्मू कश्मीर के लिए 25, झारखंड के लिए दोस्तों 78, कर्नाटका के लिए 407 पोस्ट है, केरला के लिए 141 पोस्ट है, और दोस्तों यहां पर लद्दाख के लिए आपका पोस्ट नहीं है। लक्षद्वीप के लिए 5 पोस्ट है, मध्य प्रदेश के लिए आपका 324 पोस्ट है, महाराष्ट्र के लिए आपका 799 पोस्ट है, मणिपुर के लिए 6, मेघालय के लिए 9, मिजोरम के लिए 3, नागालैंड के लिए 9, और यहाँ पर ओडिशा के लिए आपका 229 देखने को मिल रहा है दोस्तों। पौंडीचेरी के लिए आपका 3 है दोस्तों, यहाँ पर पंजाब के लिए 352 दोस्तों, और राजस्थान के लिए आपका 117 पोस्ट है। सिक्किम के लिए
आपका 27 है, तमिलनाडु के लिए 268 पोस्ट है, तेलंगाना के लिए 263, त्रिपुरा के लिए 8, उत्तर प्रदेश के लिए 661 पोस्ट, उत्तराखंड के लिए 49 पोस्ट है और वेस्ट बंगाल के लिए 366 पोस्ट। इस तरह से दोस्तों आपका 36 जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस तरह से आप अपना जो है वो किस स्टेट के हैं उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पर वैकेंसी देख लेंगे दोस्तों, उसके बाद है जो फिल करेंगे आप। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप आसानी से चेक कर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नोटिफिकेशन के अंदर और भी क्या विशेष डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, अगर आप भरना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आसानी से पढ़ के और भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।